नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ वचन अध्ययन पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। इतनी वैकेंसी इस बार निकली है, ऐसे पिछले इतनी संख्या में वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे जिससे कि एक सीट आपको मिल जाए उसमें, ठीक है। तो अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो 25 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो जिनको फॉर्म फिल करना है वो टाइम से अपना फॉर्म भी फिल कर लें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ पे आपके 3 पेपर होते हैं, 1, 2 और जो पेपर थर्ड होता है। तो पहला पेपर आपका होता है 75 नंबर का, दूसरा भी आपका 75 नंबर का होता है, और ये आपके जो भी आपका विषय है उससे संबंधित होते हैं। इसमें आपको 3 घंटे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा थर्ड पेपर होता है, ये सारे बच्चे जिस जिस में फॉर्म फिल करेंगे उन सबके लिए ये होता है कॉमन, ठीक है। ये कॉमन पेपर है, ये मतलब सबको ही एग्ज़ाम देना होता है। ये होता है हमारा 50 नंबर का, ये पेपर होके होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फाइनल मेरिट बनती है, जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर टोटल का मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो भी हाईएस्ट पे जाएगा और जो भी कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा पेपर थर्ड है, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये कॉमन होता है आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है उनके अलावा। तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपके राजस्थान से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री रही है, आर्ट रहे, कल्चर, ठीक है, उनके क्या उनके क्या हेरिटेज स्थान है, ये सब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंशेंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू मेसोलिथिक, ठीक है, जो पुराने टाइम पे रहे हैं, ये सब हो गया। इसके बाद मेजर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, मतलब किस किस ने कब कब तक रूल किया है राजस्थान पे। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, ठीक है, मुस्लिम पावर के अगेंस्ट कौन से राजपूत रूलर्स जो हुए हैं जिन्होंने अपने मतलब उन पे शासन किया है। स्पेशल रेफरेंस टू रतन सिंह, हमीर, कन्हर देव एंड मालदेव, ठीक है, ये सब आपके दिए गए हैं। चंद्रसेन एंड प्रताप, इनका मतलब स्पेशल तरीके से इनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद भक्ति आंदोलन कौन कौन से हुए, जैसे मीराबाई आपकी राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये सब हो गए, ठीक। और फोक गॉड्स कौन से हैं, गुडनेस मतलब देवी देवता वहाँ लोकल के कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान 1857 में जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था, फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, उसमें राजस्थान का कैसे और किन किन लोगों का योगदान रहा, ये सब के बारे में पूछेंगे। और महिलाओं का भी क्या योगदान रहा, ये सब, वहाँ का कल्चर क्या है, ड्रेस वेशभूषा और वहाँ का हैंडीक्राफ्ट वगैरह कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हैं। राजस्थानी लैंग्वेज के बारे में वहाँ मतलब उसका कहाँ से ओरिजिन है, कैसे कैसे उसका डेवलप हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी आप राजस्थानी स्क्रिप्ट हो गई आपकी, लिटरेचर हो गया, इसका एवोल्यूशन क्या क्या हुआ, मतलब सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, फिर कैसे कैसे ये डेवलप होता चला गया। फेमस राइटर एंड देयर वर्ड्स, मतलब कौन कौन से फेमस राइटर हैं, उनके क्या क्या किताब लिखी हैं या जो भी उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं। राजस्थान का टूरिज्म, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं, कौन से झरने हैं, कौन से क्षेत्र हैं जो इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ की, वेजिटेशन कैसी है, सॉयल मतलब मृदा कैसा है, ठीक है, एनर्जी के रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक, पॉपुलेशन वहाँ की कैसी है। और इसके बाद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, मतलब कृषि पे कैसे काम होता है और कौन कौन सी कृषि है जो वहाँ ज़्यादा होती है, कैसे उन पर काम किया जाता है, उन पर क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, ठीक है, और मेजर इंडस्ट्री वहाँ पे कौन कौन सी हैं, और जो आपदा टाइप की चीज़ें आ जाती हैं उन पे कैसे वर्क किया जाता है, कौन कौन सी आपदाएं हैं जो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं और सरकार की तरफ से उन पे क्या क्या स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई, ये सब हो गया ज्योग्राफिकल
एरिया से बात हम लोग कर, उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये सारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान है कि वहाँ फाल हो गया ये सब। इसके बाद राजस्थान की लोकसभा राज्यसभा के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सब। तो ये जो राजस्थान का पॉलिटिकल है, वहाँ पे लोकल एरिया में कैसे वर्क करता है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कैसे चीज़ें काम करती है, पंचायती राज वगैरह हो गया आपका, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब हो गया। इसके बाद सोशल ऑडिट, मतलब राजस्थान का जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिटेल में आपके पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग विभाग या अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। मेजर सेक्टरल इशूज़ क्या है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपकी जो भी खेती वगैरह होती है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, ऑयल सीड्स, मतलब कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सेक्टरल इशूज आते हैं, वो सब कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो माइग्रेंट वहाँ के वर्कर हैं जो लोग काम करते हैं उनको देखने को मिलती है, ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ भी और डिटेल में दिया गया है कि वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो काम करती हैं, और कैसे कैसे है कि राजस्थान का क्या योगदान है एग्रीकल्चर में, ये सब। सर्विस सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट एंड रिसेंट ईयर्स, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे कैसे डेवलप हुई, क्या क्या स्कीम्स चलती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह हो गया आपका, जिसको क्या बोला जाता है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, ये सब योजनाएँ हो गई। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब हाईवे हो गए आपके, पावर जनरेशन हो गए विलेज में, जो सड़कें वगैरह हैं उन पे। इसके बाद हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, मतलब कौन कौन से ऐसे मेजर चीज़ें हैं या फेमस चीज़ें हैं जो राजस्थान से एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। मेजर वेलफेयर स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, डिसेबल्ड पीपल, ओल्ड एज पीपल, स्टेप टेकन फॉर वुमेन, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राजस्थान सरकार कैसे काम कर रही है, उनके लिए क्या क्या स्कीम चलाई गई हैं। इसके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उस पर भी राजस्थान सरकार कैसे काम कर रही है, उन पर क्या स्कीम चलाई गई है, स्कूल्स में क्या है, स्कूल के बाहर राजस्थान में बच्चियाँ हैं उन पर कौन कौन सी स्कीम है, उनकी पढ़ाई के लिए कौन सी है, पढ़ाई के बाद उनके मतलब करियर के लिए क्या क्या चीज़ चलाई गई, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें आ जाएंगी। इसके बाद है रीजनल इकोनॉमिक इन इक्वलिटी इन राजस्थान। अब यहाँ पे कुछ जैसे कह सकते हैं ड्रॉबैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो उन सब के बारे में पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी से संबंधित। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये करेंट, मतलब करेंट भी आपका पूछा जाता है कि करेंट अफेयर जो अभी आजकल राजस्थान में क्या चल रहा है, मेजर इवेंट कौन से हुए, इशू कौन से हैं, या फिर कौन कौन सी बैठकें हुई, ठीक है, इन सब के बारे में, और फेमस जो पर्सन है और फेमस प्लेस है उनके बारे में जो करेंट में न्यूज़ में रहे हैं अभी, और स्पोर्ट और गेम से रिलेटेड। तो ये करेंट अफेयर हो गया जो ज़्यादातर मोस्टली है कि आपका राजस्थान से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर तीसरा है हमारा, जो सबके लिए कॉमन है जैसा कि बताया, ठीक, तो वो कितना होता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 नंबर का होगा, उसके क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 100 होंगे। ड्यूरेशन मतलब कितने 2 घंटे का होता है, और सारे क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है, ठीक है। मीडियम आपका क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको बहुत मतलब अच्छे से तैयारी करनी है, एक पूरा टाइम टेबल कह सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है इस टाइम पे, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर तक शायद उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। तो ऊपर से ये पेपर जो है, जो कह सकते हैं कि आपको मेरिट में ऊपर नीचे कहाँ पे करेगा, ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में ही, क्योंकि ये सारे में ही कॉमन है, तो अपने सब्जेक्ट में लगभग सभी लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो मेन हो गया कि ये जो पेपर है थर्ड पेपर, ठीक है, जो कॉमन है उसको आप लोग कैसे तैयार करते हैं। तो
हम लोग भी आप लोगों के लिए पेपर थर्ड के लिए क्लासेस लेके आएंगे। कोशिश रहेगी पूरी अच्छे से करवाए जाए, सिलेबस आपका जो भी है उसके हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाए, और प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है उनको भी करवाएंगे, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा है कि निगेटिव मार्किंग से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी टॉपिक तैयार करें उसको अच्छे से तैयार करें। जैसे आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं तो एक टॉपिक है तो उसके क्या पॉजिटिव साइड है क्या निगेटिव साइड है इन सबको नोट डाउन करें और उसको रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक, तो निगेटिव मार्किंग से बचना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि जितने क्वेश्चन हम लोग सही करते हैं निगेटिव मार्किंग में उतने ही क्वेश्चन चले भी जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आज सिलेबस को डिस्कस किया है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, आपके तीन पेपर होते हैं जो हम लोग पेपर थर्ड है उसकी क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, इसकी क्लासेस और करंट अफेयर की जैसे वीकली क्लासेस चल रही है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। किसान से का जो अलग से करंट अफेयर है उसकी भी कोशिश की जाएगी कि आपको करवाया जाए। जब ये थर्ड पेपर करवाया जाएगा तो इसमें ही सारा कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रहिए एचएन अध्ययन से। अगर आपको क्लासेज समझ में आ रही हो, यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम का एनालिसिस वगैरह भी करवाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूती प्रदान कर पाएँ।